तो भाई फाइनली नेटफ्लिक्स पर हाउस ऑफ सीक्रेट द बुरारी कांड वाली सीरीज आ ही चुकी है। और भाई यकीन मानिए इन 3 एपिसोड्स को देखने के बाद आप हॉरर मूवी देखना भूल जाओगे। और ये सीरीज वही इंसिडेंट्स पर बेस्ड है जिसने की सन 2018 में हमारे पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और भाई रिव्यू की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज कोई आम सीरीज नहीं है, जरा इसको मेंटली प्रिपेयर्ड होकर देखना। तो यार इसी सीरीज के बारे में बात करने वाले, लेकिन दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो भाई इस स्टोरी को 3 एपिसोड्स में कवर किया गया है, मतलब सीधा सीधा देखें तो ये एक सीरीज नहीं एक मूवी मानी जाएगी, क्योंकि इसका पूरा रन टाइम 2-3 घंटे के लगभग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कहानी की। तो भाई सन 2018 में 11 लोगों की लाश पाई गई थी एक घर में से, और वो सारे के सारे लोग फांसी लगाकर मर चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, 11 लोग एक ही घर में एक ही परिवार के लोगों की डेथ हो चुकी है, अब इसके पीछे क्या हिस्ट्री है और यहाँ पर किस तरीके से पूरी पुलिस और मेडिकल टीम इस केस को हैंडल करती है, सारी चीजों पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्पॉटलाइट डाली गई है। साथ ही दोस्तों इस सीरीज की मुझे एक बात बहुत ही ज्यादा सही लगी, हर छोटी से छोटी डिटेल को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। साथ ही हमें यहाँ पर मिथ्स और थ्योरी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है, क्या झूठ है क्या सच, इन सारी चीजों का जवाब आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। बाकी AR रहमान का म्यूजिक इस स्टोरी में 4 चांद लगा देता है। जिन लोगों ने इन 11 लोगों के साथ जिंदगी जी है उन्होंने खुद आकर इस कहानी को सुनाया है। और भाई यकीन मानिए इस सीरीज को देखने के बाद कहां हॉरर मूवी कहां की थ्रिलर मूवी सब भूल जाने वाले हो भैया। बाकी दोस्तों मैं अगर कोई सीरीज देखता हूं तो यहां पर एडिटिंग का पक्ष में बहुत ज्यादा ध्यान से देखता हूं। तो भाई एडिटिंग माइंड ब्लोइंग है, एक डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से बहुत ही सही एडिटिंग की है इन लोगों ने। अब यहां पर डॉक्यूमेंट्री तो अच्छी है ही, लेकिन यहां पर एडिटिंग आग में घी डालने का काम करती है। हर लाइन को हर चीज को बहुत ही नाप तोल कर आपको बताया जाए, ना कोई आपको चीज कम लगने वाली है ना कोई चीज ज्यादा। और भाई यकीन मानिए यहाँ पर जिस आदमी ने इस स्टोरी की एक एक लाइन का वॉइस ओवर किया है, गजब है भाई वो गजब। तैयारी पक्की रखना, इनका वॉइस ओवर इस स्टोरी को और भी ज्यादा हॉरर बना देता है। बाकी दोस्तों क्राइम सीन्स की असली फोटो को यहाँ पर लिया गया है, तो भाई जरा आराम से देखना इस सीरीज। बाकी दोस्तों इस सीरीज का एंड बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं पर 5 out of 5 star, जो कि ये डिजर्व करती है। तो भाई यूं तो मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, लेकिन इस लेवल का रिसर्च, एडिटिंग, डायरेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूं मैं आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।